हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से मिल गए हैं एक नई रेसिपी वीडियो के साथ, जो कि है मसाला कढ़ी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 100 ग्राम बेसन। चूँकि मैंने 100 ग्राम यहाँ पर बेसन लिया हुआ है, तो साथ ही हम लेंगे 150 ग्राम दही। ये दही मैंने घर में जमाया था, आप चाहे मार्केट का भी लें, लेकिन ध्यान रहे दही आपकी गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे इस तरह से फेंटना है फ्रेंड्स, इसमें गांठें बिल्कुल भी ना रहें। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दे के फेंटें इसको। ये देखो, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी दे के इसको थोड़ा और लिक्विडी कर लेंगे। इतना गाढ़ा हमें नहीं रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने मसाले की ओर। मसाले के लिए मैंने यहाँ एक लहसुन की घाट ली है छिलके सहित, एक चम्मच मैंने यहाँ लिया है साबुत खड़ा धनिया, चार हरी मिर्ची ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है खड़ा, और आधा चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च खड़ी वाली, और दो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है मैंने, उसे कूट लिया है। इन सबको हम पानी डाल के मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। ये मैंने इसे पीस के अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। इस कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, उसमें हम डालेंगे जीरा और राई का तड़का, साथ ही हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। जब ये सब चटक जाए, हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज काट के डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया है। प्याज को हम भूनेंगे, भूनते हुए ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जब हमारा प्याज पिंक हो जाए, हम इसमें हमारे मसाले को डाल देंगे। अगर आपको मसाला ज़्यादा लगे तो आप उसे बचा के रख ले किसी दूसरी सब्जी में डालने के लिए, आप उसे दाल में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल चलाते हुए हम अपने मसालों को भून लेंगे। जब मसाला इस तरह से भून जाए कि तेल छोड़ दे, उसके बाद हम अपने दही और बेसन के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अगर आपको पानी कम लगे, अगर कढ़ी आपकी ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप उसमें और भी पानी डाल दें। कढ़ी फ्रेंड्स ज़्यादा गाढ़ी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, अच्छी नहीं लगती है। इसे मीडियम ही रहने दें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना रखें, बहुत ज़्यादा पतली भी ना रखें, और इसे चलाते हुए पकाएं। अच्छे से पक जाने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसमें धनिया गार्निश करके उतार लें। उसके बाद हम इसको परोस लेंगे। ये देखो, बिल्कुल बन के रेडी है हमारी मसाला कढ़ी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वीडियो लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो।